अब ये समिट तो आप लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनाइज की है, लेकिन जब ये शब्द भी का स्टार्टअप नहीं हुआ था उस समय मैंने एक समिट की थी विज्ञान भवन में। बड़ी मुश्किल से आधा सभागृह भरा था, पीछे फिर जैसे सरकार करती है जगह हमने भर दी थी। ये अंदर की बात है, बाहर मत बताना। और उस समय देश में जो नए नए कुछ नौजवान और मैंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया इसको लॉन्च करने की दिशा में मेरा प्रयास था, और मैं चाहता था कि उसको मैं एक आकर्षण पैदा करूं, यूथ में एक मैसेजिंग करूं। तो कुछ लोगों ने जो इनिशिएटिव लिए थे उनको खोजा देश भर में, भाई कोई कोने में कुछ कोई करता है तो जरा देखो। और मैंने 5-7 लोगों को बुलाया था कि जरा भाई आप भी वहां भाषण कीजिए, मेरी कोई सुनेगा नहीं। अब सुनते हैं। मैं उस समय बात कर रहा तो मुझे बराबर याद है उस फंक्शन में एक बेटी ने अपना अनुभव सुनाया, शायद यहां बैठी भी हो मुझे मालूम नहीं है। और उसने, वो मूल बंगाली है और माँ बाप ने काफी पढ़ाया लिख करके उसको तैयार किया, उसने अपना अनुभव बताया। उसने कहा मैं, उनकी माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, तो बोले मैं घर गई तो मेरी माँ ने पूछा क्या कर रहे हो बेटा, आप काफी पढ़ लिख के आई थी। तो उसने कहा कि मैं स्टार्टअप शुरू करने जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, वो बंगाली थे, सर्वनाश। बोले सर्वनाश याने स्टार्टअप याने सर्वनाश। वहां से शुरू हुई यात्रा, इसका एक सैंपल यहां नजर आ रहा है।